टुडे आई एम डिस्कस अबाउट आईएटी सेंसर। आईएटी क्या है? आईएटी इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है। अब इंटेक क्या होता है? जब भी इंजन सक्शन करता है तो जो एयर अंदर आती है, जो जिस रास्ते से आती है, जो पाथ फॉलो करती है, उसे हम इंटेक बोलते हैं। उसी बीच हम क्या करते हैं, एक सेंसर लगाते हैं जो क्या करता है, एयर का टेम्परेचर सेंस करता है। उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसका एक खास रीजन होता है कि जब टेम्परेचर, एयर क्या है, एयर एक कंटेंट रखती है जिसकी डेंसिटी भी होती है। डेंसिटी क्या है? टेम्परेचर के साथ घटती और बढ़ती है। अब मान लो डेंसिटी अगर बढ़ी हुई है तो उसके लिए हमें ज्यादा फ्यूल चाहिए, अगर डेंसिटी घटी हुई है तो उसके लिए कम फ्यूल चाहिए। तो ECM को कैसे पता लगे कि डेंसिटी कम वाली एयर आ रही है, डेंसिटी कम ज्यादा वाली एयर आ रही है? इसीलिए यहां पे हम इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर को बिठाते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य पता लग गया आपको इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का। अब मैं इसके कुछ बातें बताऊंगा, कैसे काम करता है, टाइप बताऊंगा, टाइप और कैसे काम करता है। इट इज माउंटेड ऑन इंटेक मैनिफोल्ड। अब मैंने बता रहा हूं ये क्या है, ये इंटेक मैनिफोल्ड पे लगा होता है। अब ये काम कैसे करता है, क्या होता है इसके अंदर? इट इज कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर स्लैश सेमी कंडक्टर मटेरियल। ये बना होता है एक बार से, ये कंसिस्ट करता है, ये रखता है अपने पास सेमी कंडक्टर और कंडक्टिंग मटेरियल, जिससे क्या होता है, अब इसमें सप्लाई की जाती है। ECM सप्लाई 5 वोल्ट टू IAT सेंसर। ECM क्या करता है, 5 वोल्ट की सप्लाई देता है IAT सेंसर को। आफ्टर दैट IAT सेंसर वर्क ऑन रजिस्टिव मेथड। उसके बाद क्या कहता है, IAT सेंसर रजिस्टिव मेथड पे काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा वोल्टेज में वेरिएशन आते हैं। टू वेरिएट वोल्टेज। दिस वेरिएशन इज कैलकुलेटेड By ECU। इस वेरिएशन को क्या करता है, ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट क्या कर लेती है, चेक कर लेती है कितना वेरिएशन हो रहा है। अब इसके मैं कुछ टाइप बताता हूं, दो टाइप का होता है। फर्स्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या बोल सकते हो, और सेकंड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इधर वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं, इधर टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। अब जब हम वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली है, यानी वोल्टेज जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही कम होगा इनडायरेक्टली में। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि वोल्टेज ज्यादा होने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, ये क्या होता है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें करंट पास हो जाए इजीली। तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। मान लीजिए यहां पर वोल्टेज आ रहा है दो वोल्ट आ रहा है, तो लगभग कह सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। और अगर यहां पे है 5 वोल्ट
तो कह सकते हैं -20°C। ये डाटा कैलकुलेट नहीं, मतलब एग्जैक्टली नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं एज एग्जांपल, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन की बात करते हैं, ये किस पे बेस्ड होता है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, टाइम वो टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वोल्टेज में वेरिएशन होता है। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली वेरिएशन होता है, जैसे वोल्टेज यहां पे 5 वोल्ट है तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा 80°C मान लीजिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है उसका अगर मैं आपको आयनिक बॉन्ड तक पहुंचाऊं, जैसे कोई ये है मटेरियल जिसके ये ऑर्बिटल्स हैं, तो इसके ये हाफ ऑर्बिटल्स भरे होते हैं। मान लो हमें पता होना चाहिए कि जो कोई भी ऑर्बिटल फिल होता है उसका कोड होता है 2818, ऑर्बिटल फिल हो रहा था तो या तो 2 पूरे करें या 8 पूरे करें या फिर 18 पूरे करें, 88 बोल देते हैं, 18 बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। या तो ये 2 पूरे कर ले, 2 नहीं हो पा रहे इसके 6 हो गए मान लीजिए इसके पास, या 4 हो गए, इधर हो गए कुछ 6-4 जैसे भी है इलेक्ट्रॉन। अब ये कंडक्टर है नहीं क्योंकि इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको सप्लाई देने के लिए कुछ टेम्परेचर करना पड़ेगा। टेम्परेचर से क्या होगा, इसका जो बैंड गैप है, ये बीच का गैप वो कम हो जाएगा, ये ऐसे जुड़ने लगेगा आपस में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इसके ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ेंगे और वोल्टेज फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में पहले से ही फिल होता है, वो एक पूरे ऑर्बिटल्स फिल होते हैं तो उसका जो बॉन्ड होता है वो बना हुआ होता है, तो पहले से फिल होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने का इसका वेरिएशन कम होने लगता है और वो रेजिस्टेंस वाला फंडामेंटल लग जाता है। तो ये दो टाइप थे और ये कंसेप्ट था कैसे कैसे काम करता है। मैं अगली वीडियो में आपको इसके फंक्शंस बताऊंगा और कुछ डाटा बताऊंगा।